4 जून को जब पूरा देश लोकसभा इलेक्शन का परिणाम देखने में बिजी था, तो उस समय मेडिकल स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करने वाले नीट एग्जाम का भी रिजल्ट आ गया, जिसे देखकर सभी हैरान थे और सोशल मीडिया पर हैशटैग नीट फ्रॉड ट्रेंड करने लगा। रिजल्ट वाले दिन एजेंसी ने कट ऑफ और टॉपर्स भी अनाउंस किए। एनटीए ने बताया कि इस साल जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 720, 164 और टॉपर्स की संख्या 67 है। नीट परीक्षा देश भर के 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित हुई। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, नीट के छात्रों व एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। इसके बाद मामला तूल पकड़ता गया। इस मामले में एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी ओर सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई जारी है। इस मामले में छात्रों ने किन मुद्दों का विरोध किया, आइए समझते हैं। दरअसल जब एनटी ने टॉपर्स के पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए, तो छात्रों ने सवाल करने शुरू कर दिए। छात्रों ने एजेंसी से पूछा कि जहां हर साल या अधिकतम 2 टॉपर्स निकलते हैं, वहीं इस साल कुछ 67 टॉपर हैं और इन सभी को परफेक्ट 720 अंक मिले हैं, ये कैसे हुआ? इनमें एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स होने की भी बात सामने आई। तब जाकर परीक्षा से पहले कई सेंटर पर पर्चा लीक होने की खबर भी आई। इसके बाद एनटीए ने जवाब दिया कि परीक्षा में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। बस इसी वजह से एनटीए विवाद के घेरे में आ गया। फिर छात्रों ने एनटीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि खास सेंटर से स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जबकि पेपर लेट कई सेंटर पर हुए थे। एक्सपर्ट ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस रिजल्ट में 2 छात्रों को जिनकी रैंक भी 67 और 69 आई है, 718 और 719 नंबर दिए गए हैं, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद नीट के छात्रों ने देश भर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों के साथ ही एनटीए से फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला समेत कई राजनेताओं ने सवाल पूछे। इस बीच कुछ छात्रों ने एनटीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व लोअर कोर्ट में याचिकाएं दायर करनी शुरू कर दी। 11 जून को नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। इस याचिका में कहा गया कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की भी मांग की गई। इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में 13 जून को फिर से सुनवाई हुई। नीट को लेकर एक और याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा और 30 जून को रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके बाद बीते दिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी से 0.1% भी लापरवाही हुई है, तो उसे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। पटना में नीट पेपर लीक केस में अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में आज हरियाणा के सोनीपत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की। नीट परीक्षा को लेकर बिहार और गुजरात पेपर लीक मामले में जांच की जा रही है, तो नीट के छात्र और अभिभावक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 8 जुलाई की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। वहीं नीट के 1563 छात्र 23 जून को होने वाले री एग्जाम की तैयारी में हैं और सोशल मीडिया पर अभी भी नीट का मुद्दा गर्म है। एनटीए के विरोध में छात्रों का ऑनलाइन आंदोलन जारी है।